में जब हम लोग लास्ट में आए, मतलब 600 सोचिए, उसके पहले शाम में कोई घर से बाहर निकल पाता था। आज अपने को बड़ा बड़ा भारी भारी बात करेगा। 15 साल तक उन लोगों को मौका मिला। अब बिहार में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने क्या क्या काम कर दिया, आप सोच लीजिए। कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। अब कितना देर तक लोग, लड़का हो लड़की हो, सब निकलते हैं। अब कैसा हो गया? तो याद करिएगा कि जितना काम पहले कुछ नहीं था, और 5 के बाद हम ही लोगों ने काम किया। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन में। बिहार में एनडीए ने आज से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। चुनावी प्रचार की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। तो मंच पर मौजूद थे चिराग पासवान और साथ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एनडीए के तमाम बड़े नेता एक मंच पर हुंकार भरते नजर आए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लालू और तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। कहा कि जब 2005 में बिहार उनको मिला था तो बिहार में क्या था? क्या कोई बिहार में शाम के 6 बजे के बाद घर के बाहर निकल पाता था? नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने लालू रावड़ी राज पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बिहार में जंगल राज था। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बीच के कुछ वक्त में उन्होंने तेजस्वी यादव का साथ भले ही बिहार में कर लिया तो आज ये लोग बड़का बड़का बात करने लगा है। उन्होंने कहा कि सारा काम एनडीए किया हुआ था और आज नाम वो लोग लेने की कोशिश कर रहा है। किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के सामने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है हुंकार भरते हुए लालू रावड़ी राज के साथ साथ तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है, सुनवाते हैं आप। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने चुनाव के सिलसिले में और यहां पधारे हैं सबसे पहले, और सब लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे, तो यहां सबसे पहले आप पधारे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जो कुछ भी काम किया तो इतना ज्यादा काम किया है, एक चीज तो हम हर दिन कहेंगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो आपने भारत रत्न दे दिया, जो हम लोग मांग करते रहे, आपने इसको दे दिया, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और ये कोई भूलेगा नहीं कि जो उन्होंने काम किया और उनको आपने भारत रत्न दे दिया। अब जानते हैं हम लोग तो शुरू से बिहार में जो काम 2005 से शुरू किया, हम लोग तो मिलकर कर रहे हैं भाई। आज कितना बढ़िया से काम किए, याद कर न लीजिए कितना तेजी से काम किया। अब आप समझ लीजिए कि जब पहले था 5 में जब हम लोग लास्ट में आए, मतलब 600 सोचिए, उसके पहले शाम में कोई घर से बाहर निकल पाता था। आज अपने को बड़ा बड़ा भारी भारी बात करेगा। 15 साल तक उन लोगों को मौका मिला। अब बिहार में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने क्या क्या काम कर दिया, आप सोच लीजिए। कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। अब कितना देर तक लोग, लड़का हो लड़की हो, सब निकलते हैं। अब कैसा हो गया? तो याद करिएगा कि जितना काम पहले कुछ नहीं था, और 5 के बाद हम ही लोगों ने काम किया है। इसलिए याद रखिएगा, जो काम आज तक नहीं किया, अब वो तो झूठ मूठ के बीच में हम एक बार साथ कर लिए थे, कहा झूठ मूठ के अपना बात करता है, जो काम हम ही लोगों का है, हम ही लोगों का किया हुआ, तो उसके बाद तो हम देखे गड़बड़ करता था, फिर छोड़ दिए। अब 7 दिन के लिए फिर हम लोग साथ हो गए, अब कभी इधर उधर नहीं होने वाले। तो जो काम किया है 5 से लेकर के आगे तक, और केंद्र सरकार में 10 साल से हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अब कितना ज्यादा कर रहे हैं, अब बिहार के लिए भी कितना काम करवा दिए, आप सोच लीजिए। सड़क का काम, पुल का काम, कितना सब काम किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। तो ये सोच लीजिए कि हम लोग राज्य सरकार में काम करते हैं और केंद्र सरकार काम करता है और हर जगह के लिए काम करते हैं। अब सामने ही ना देख रहे जी कैसा पुल है, ये पहले था, अब आप लोग पीछे ही ना, सामने देखिए, ये कब बना, एक एक चीज देख लीजिए कि सब काम हम लोग किए हुए हैं। अब सब तरह का आप कितना ज्यादा होता था,
अभी आज तक जो करते रहते हैं, अब पहले जब था 5 तक तो हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, और जब हम लोग आ गए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी खत्म हो गया। इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी कहेंगे कि भूलिएगा मत, हम लोग जब तक हैं तब तक झगड़ा नहीं, और गलती करके फिर उसी को दे दीजिएगा फिर झगड़ा शुरू करा देगा। इसे याद करिए, हम लोग तो समाज में सब तबके के उत्थान के लिए काम किए, तो भूलिएगा मत। सब तरह से काम किया, पहले ना बच्चा पढ़ता था ना बच्ची, तो छोड़ दीजिए अब कितना पढ़ाई शुरू हो गया, हर तरह से काम किया गया। अब पहले स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था थी जी, कितना होता था, इतना कम। और हम लोगों ने जब शुरू किया तो कितने बड़े पैमाने से सरकार की तरफ से सब काम कर दिया गया। तो इस सारा का सारा काम सब तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा किया है, तो इसीलिए तो हर तरह से, तो हम लोग शुरू से ही 5 में आए तो पहला साल 10 तक, उसके आगे लगातार हम लोग कर रहे ये काम। आप फिर जरा देख लीजिए 2015 में जो हम लोगों ने 7 निश्चय किया, अब उसके अंतर्गत कितना कितना बढ़ा हुआ, हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली नाली शौचालय, और ये भी कर दिया कि जो टोला है वो टोलों से ग्रामीण क्षेत्रों में जोड़ने का भी काम किया। और 2020 में 7 निश्चय 2 में भी सारा काम किया जा रहा है। हम लोगों ने पहले भी सरकारी नौकरी 8 लाख के करीब करवाया, अब इस बार जो हम लोग कर रहे हैं कि 10 लाख की नौकरी होगी। अब सोच लीजिए 4 हो गया है, 1 और तुरंत होने वाला है, 3 का प्रोसेस चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग नौकरी और लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। 10 लाख रोजगार की बात थी, आज भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल गया। तो हम लोग तो एक एक काम कर रहे हैं।